बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज टॉपिक इज वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्शन पार्ट टू। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्किन सेंसर्स ऑफ डैमेजिंग स्टिमुलाई, स्किन सेंसर्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, स्किन सेंसर्स ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई, एंड देन स्मेल, टेस्ट एज वेल एज वीएन। Well, first topic of vertebrate sensory receptors with reference to this part is about nociceptors. Nociceptors are those receptors which are responsible for the detection of pain. And these receptors are considered to be the most abundant receptors in kingdom Animalia. कहाँ पर पाए जाते हैं? They are found throughout the body of an organism. But in certain mammals, they are absent from the brain and intestine. ये bare या uncovered sensory nerve endings की form में नजर आ रहे होते हैं। These uncovered sensory nerve endings are usually found in the dermis, but may project out in the upper part or the dermis part of the epidermis part of the skin as well. Severe heat से जो damage होता है skin को, severe cold से, irritating chemical से जो damage होगा skin को, उन सारे डैमेजेस को डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज रिसेप्टर्स और नोसीसेप्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स भी इनको कहा जाता है, पेन रिसेप्टर्स को, बिकॉज दे आर लाइफ सेविंग रिसेप्टर्स। कोई एनिमल अपने एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली उसी वक्त सर्वाइव करता है जब वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को, एनवायरनमेंट में होने वाले डैमेजिंग स्टिमुलाई को रैपिडली स्विफ्टली डिटेक्ट कर सकता है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज स्किन सेंसर्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, व्हिच आर नोन एज थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स आर नॉट फ्री नर्व एंडिंग्स लाइक पेन रिसेप्टर्स। अगर आप पेन रिसेप्टर्स को देखें तो पेन रिसेप्टर्स तो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, एंड फ्री नर्व एंडिंग्स दे कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ expanded neurons की form में नजर आ रहे होते हैं, but in case of thermoreceptors, they are coiled nerve endings. Thermoreceptors may be present in either the epidermis as well as in the dermis, and mammals have a distinctly different distribution of areas sensitive to either cold or warm. Even जो मैमल्स हैं या कुछ वर्टिब्रेट्स हैं उनकी स्किन के ऊपर कुछ स्पॉट्स होते हैं कॉल्ड कोल्ड स्पॉट्स और वार्म स्पॉट्स। स्पॉट का मतलब क्या होता है? स्पॉट रेफर्स टू अ स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन दैट व्हेन स्टिमुलेटेड यील्ड्स और शो टेम्परेचर सेंसेशन ऑफ द वार्म और कोल्ड। इसमें हमारे पास ये कॉइल नर्व एंडिंग शो की गई है बेटा वार्म और कोल्ड के हवाले से। कोल्ड सेंसेशन और हीट की सेंसेशन इन कॉइल्ड नर्व एंडिंग से सेंसरी न्यूरॉन को पहुंचेगी, और इसका मतलब ये है कि सेंसरी न्यूरॉन जो इसमें कंसर्न्ड है, इसमें इन्वॉल्व्ड है, उनके अंदर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ दीज न्यूरॉन्स विच आर फाउंड अटैच्ड विद दीज कार्पसल्स। तो ये कार्पसल या कॉइल्ड नर्व एंडिंग्स हीट और कोल्ड के लिए, आप देख सकते हैं दोबारा से जो पेन की नर्व एंडिंग्स हैं दे आर क्वाइट फ्री। पेन की नर्व एंडिंग्स जो है वो फ्री हैं, जबकि हीट कोल्ड या दूसरी जो कार्पसल्स अभी हम देखे होंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में वो क्वाइल्ड कार्पसल या क्वाइल्ड बॉडीज की फॉर्म में मौजूद है यहाँ पे। कोल्ड रिसेप्टर्स इन द स्किन रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर बिलो द स्किन और वार्म रिसेप्टर्स अबव द स्किन। इसी में उन्होंने एग्जाम्पल एड की होगी कि जो भी मटेरियल हमारे सराउंडिंग में हमारी स्किन के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं उनका टेम्परेचर भी इसी बेस पे डिटेक्ट हो रहा होता है कि हमारी स्किन से उनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। या फिर इस बेस पे जैसे मेटल्स होती हैं अक्सर नॉर्मल टेम्परेचर पे वो हमें जरा कूल फीलिंग आती है मेटल को टच करने के बाद, क्यों? क्योंकि मेटल हीट एब्जॉर्बर है और वुड वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए वुड का टेम्परेचर ज्यादा कोल्ड फील नहीं होगा जब आप वुड को टच करते हैं। Other animals other than mammals, they have also abilities to sense heat as well as cold in the environment. और एक famous short question जो बनता है यहाँ पे वो है pit organs,
that what are pit organs? Pit organs, they are found in rattlesnakes and other pit vipers. Pit organs, tiny openings on each side of the face between the eye and nostril. Or ye aapko is diagram mein, is picture mein bani nazar bhi aa rahi hai pit organs. Ye darasal depressions hain jinke gird sensory epithelium ki lining hoti hai. Aur in depressions ke gird sensory neuron distributed hote hain in their sensory epithelium, which are specialized to detect thermal changes in their environment. Balki bahut se reptiles to thermal images bana lete hain. They can detect their warm-blooded prey by forming thermal image of that organism in their brain without using their VN. Even dark ke andar bhi jo snakes vagaira hain, apne jo prey hai usko easily is tarah se detect kar sakte hain. Next, hamare paas hai beta tactile sensation. Tactile sensation is concerned with stimulus, receiving stimulus of touch. And mechanical sensory receptors in vertebrate skin, they detect stimuli that the brain interpret as touch. Wo touch ab light touch bhi ho sakta hai. Deep touch, jise hum pressure stimulus kehte hain, wo bhi ho sakta hai aur vibration bhi. Vibration ke receptor usually joints mein hote hain. Light touch ye skin ke andar overall kai forms mein distributed hai. Free nerve endings bhi hain aur coiled bhi. Jabki deep pressure stimuli ye skin ke deeper areas mein maujood hote hain, jo zyada deformation ya zyada pressure ko detect karne ke liye. Receptors for the light touch include free nerve endings as well as Meissner corpuscles. Aur jo free nerve endings hoti hain, bare nerve endings, ye zyada distributed hai skin ke andar. Inme se zyada tar free nerve endings pain receptors ke liye hain, baki thermal या टच स्टिमुलाई को रिसीव करेंगी. वेल, ये हमारी स्किन का क्रॉस सेक्शन शो किया गया जिसमें बल्ब ऑफ क्रॉस, पेसिनियन कार्पसल और ऑर्गन्स ऑफ रिफिनाई इनको शो किया गया, जिसमें मेसनर कार्पसल्स भी है. मेसनर कार्पसल अगर आप देख सकें रिलेटिवली अपर एरिया ऑफ द स्किन में, बल्ब ऑफ क्रॉस भी ये टच के स्टिमुलस के लिए मौजूद होते हैं. हेयर एंड ऑर्गन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, या कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स भी मौजूद होंगी यहाँ पे. ये फ्री नर्व एंडिंग्स भी साथ साथ मौजूद होती हैं. दीज फ्री नर्व एंडिंग्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग स्टिमुलस ऑफ टच. मेसनर कार्पसल भी टच स्टिमुलस के लिए, बल्ब ऑफ क्रॉस भी टच के लिए, और रूट हेयर प्लेक्सस या नर्व एंडिंग्स एट द एंड ऑफ हेयर सेल्स, ये भी जो है वो टच स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए मौजूद है. And there are certain organs which are known as organs of Ruffinae. They are responsible for detection of stretch. ये stretch के stimuli को detect करने के लिए मौजूद होते हैं. जबकि deep pressure stimuli को detect करने के लिए हमारे skin में Pacinian corpuscles मौजूद होते हैं. And you can easily detect their presence in the deeper areas of the skin. यानी ये deep pressure या deep touch जो stimulus होता है, उसको receive करने के लिए Pacinian corpuscles मौजूद होंगे. तो ये स्किन के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हीं का जिक्र यहाँ पे किया गया, बल्ब ऑफ क्रॉस, Pacinian corpuscles, organs of Ruffinae. एक पॉइंट जो प्रीवियस स्लाइड में नहीं था, दैट इज अबाउट vibrisse ऑफ द एनिमल्स. हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो स्नाउट्स में, रिस्क में विस्कर्स की तरह मौजूद हो सकते हैं, ये भी सेंस ऑफ टच को रिसीव करने के लिए होते हैं. स्पेशली हर एक हेयर की बेस पे, चाहे ये कैट्स में या माउस में, हेयर की बेस पे कैविटी, एक साइनस मौजूद होगी स्किन में. वो कैविटी या साइनस के साथ कुछ सेंसरी न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं, और उन सेंसरी न्यूरॉन की मदद से जो टच के स्टिमुलाई है उनको ब्रेन के हायर एरियाज तक पहुंचाया जाता है फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उनके साथ सेंसरी नर्व्स कनेक्टेड हैं, सेंसरी नर्व जॉइंट है. तो टच स्टिमुलाई को रिसीव करने का एक वे ये भी हो सकता है. एक और बड़ा डिफरेंट सा वे जो एनिमल्स ने डेवलप किया है फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई और सेंसिंग देयर एनवायरनमेंट, वो है बायोसोनार. बायोसोनार सिस्टम इज द वे ऑफ डिटेक्शन ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट और ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय यूजिंग इकोलोकेशन. इकोलोकेशन कैसे होती है?
की एनिमल्स जैसे डॉल्फिन हैं, व्हेल्स हैं, बैट्स हैं, दे प्रोड्यूस टाइनी क्लिक्स या साउंड्स, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे। वो किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करके जब दोबारा वापस ब्रेन तक पहुंचेंगे तो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज इनको एनालाइज करेंगे। दे विल इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट की शेप, उनका नंबर या उनका साइज, उसका अंदाजा सिर्फ इन्हीं साउंड वेव्स या इकोस की बेस पे ये एनिमल लगा लेंगे। दिस टाइप ऑफ सेंस इज कॉल्ड इकोलोकेशन। और वो एनिमल्स जो नॉक्टर्नल है जिनमें जैसे कि बैट्स हैं जिनमें आईज ज्यादा वेल डेवलप नहीं है या रिड्यूस्ड है, वो इकोलोकेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं फॉर डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्ट्स रिस्ट्रिक्शंस एज वेल एज थ्री डायमेंशनल इमेजेस ऑफ द प्रे, ताकि वो अपना फूड फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट सेंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑल्फेक्शन। लेकिन ऑल्फेक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक बेटा वीडियो शेयर करना चाहूंगा विद रेफरेंस टू सोनार सिस्टम। Let me share. Here we are going. Smell. The sense of smell or olfaction is due to olfactory neurons, which are present in the roof of the vertebrate nasal cavity. ये olfactory neurons या smell के neurons कुछ epithelial cells के दरमियान यहाँ पे distributed होते हैं, columnar epithelial cells जो इनको surround कर रहे होते हैं। बिल्कुल बाकी रिसेप्टर्स की तरह इन रिसेप्टर्स ने भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके उसको ब्रेन तक पहुंचाना है। बट ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होगा? बाय द एयर बॉर्न केमिकल्स विच आर कमिंग टू दीज न्यूरॉन्स। हवा के जरिए, हवा में अगर कुछ केमिकल्स मौजूद हैं जिनको एज अ स्मेल डिटेक्ट किया जाना है, तो इन सेंसरी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर वो आके बाइंड करेंगे और फिर इन सेंसरी न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। कुछ एनिमल्स में सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा डेवलप्ड है एंड दे आर डिपेंडिंग अपॉन दिस सेंस फॉर द लोकेशन ऑफ देयर फूड। इवन डॉग्स में उनकी जो एपिथेलियम है दैट मे हैव 40 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ईच ऑल्फैक्टरी सेल ईच सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द ऑल्फैक्शन एंड्स इन अ टफ्ट ऑफ सीलिया कंटेनिंग रिसेप्टर साइट फॉर वेरियस केमिकल्स। अब बहुत सी थ्योरीज हैं कि इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। जो मेन थ्योरी है वो यही है कि केमिकल्स जब सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर आके बाइंड करते हैं, दे कॉज चेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग एट द प्रोटीन रिसेप्टर्स, बाय इंटरेक्टिंग विद द प्रोटीन रिसेप्टर्स ऑन द रिसेप्टर सेल सेंसरी न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सच एन इंटरेक्शन समहाउ ऑल्टर्स मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। एंड यू नो परमेबिलिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है? अगर जनरेटर पोटेंशियल डेवलप होना है, that simply means कि sodium का influx होगा, and influx of sodium means कि neuron के अंदर action potential generate हो जाएगा। that action potential will be transmitted to the higher areas, higher centers of the brain for further interpretation, और इस तरह से smell को detect किया जाएगा। fishes की अगर हम बात करें तो fishes में external layers के साथ कुछ organs मौजूद होते हैं which are having olfactory system। salmon के olfactory system को यहाँ पे show किया गया, ये इसका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है इन द डायग्राम। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को अगर आप एनलार्ज करें तो इसमें सर्टेन पॉइंट्स पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम डिस्ट्रीब्यूटेड है। जस्ट लुक एट दिस, वन ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज एनलार्ज्ड ओवर हियर व्हिच इज शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मेनली सेंसरी न्यूरॉन्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ केमिकल्स और स्मेल केमिकल्स इन द एनवायरमेंट। होता ये है कि सामन या लैम्प्रेस अक्सर स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए फ्रेश वाटर्स में मूव करते हैं और एनुअली इनको माइग्रेट करने के लिए सेंस ऑफ स्मेल पे डिपेंड करना होता है। सेंस ऑफ स्मेल पे डिपेंड करते हैं अपना पाथवे सॉर्ट आउट करने के लिए, अपना पाथवे ढूंढने के लिए। ऑल्फैक्शन इज एन इंपॉर्टेंट सेंस फॉर मेनी एम्फीबियंस। इट इज यूज्ड इन मेट रिकॉग्निशन एज वेल एज इन द डिटेक्शन ऑफ नॉक्सियस केमिकल्स as well as in locating food. Sense of smell के हवाले से एक बड़ा important question जो बार बार आपके पास papers में पूछा गया, that is about vomeronasal organ और Jacobson's organ. Vomeronasal organ और Jacobson's organ, vomeronasal organ और Jacobson's organ
they are basically well developed in the snakes and lizards. और आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्रोट्रूसिबल टंग होती है अपनी जुबान की मदद से स्नेक बार बार अपनी जुबान को जब बाहर निकालते हैं तो वो एयर में मौजूद केमिकल्स को एक्चुअली डिटेक्ट कर रहे होते हैं एंड व्हेन दे मूव देयर टंग टू द जैकबसन ऑर्गन जब वो इस स्फेरिकल ऑर्गन के अंदर अपनी टंग लेके जाते हैं तो इसमें मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स उन केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं हेंस दे कैन इजीली डिटेक्ट सेंस ऑफ स्मेल इन दिस वे बट सर्टेन रेप्टाइल्स सच एज सर्टेन टर्टल्स और टटोरा फाउंड न्यूजीलैंड लिजर्ड लाइक एनिमल होते हैं टटोरा भी बेटा ये भी डिपेंड कर रहे होते हैं जैकबसन ऑर्गन पे बट दे कैन डिटेक्ट टेस्ट वो अपने टेस्ट के सेंस को डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस स्फेरिकल ऑर्गन जैकबसन ऑर्गन तो रेप्टाइल्स में ये बड़ी वेल डेवलप्ड सेंस है इसके साथ साथ बर्ड्स की अगर हम बात करें बर्ड्स सेंस ऑफ स्मेल पे यूजुअली ज्यादा डिपेंड नहीं करते इट प्लेज अ माइनर रोल बट सर्टेन बर्ड्स दे आर हैविंग एक्सेप्शंस फॉर एग्जांपल वुल्चर्स दे आर एक्सेप्शंस इन दैट दे लोकेट डेड एंड डाइंग प्रे लार्जली बाय द स्मेल कीवीज दे आल्सो यूज सेंस ऑफ स्मेल टू प्रोब देयर फूड टू फाइंड देयर फूड एंड मेनी मैमल्स कैन परसीव olfactory stimuli over long distances during either day or night smell ka hi fayda hai ki iske liye zahir light ki zarurat nahi hai they use stimuli to locate food recognize member of the same species and avoid predators as well well next sense which we are going to discuss over here is the sense of taste the receptors for taste are gustation latin word gustus jiska matlab hi taste hota hai और ये भी कीमोरिसेप्टर्स के टाइप है बिकॉज दे मे बी ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ एन एनिमल सच एज फिशेस बॉटम ड्वेलर फिशेस उनकी बॉडी पे टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं वो अपनी स्नाउट अपनी टेल या अपनी बॉडी के थ्रू ही सराउंडिंग एनवायरमेंट में मौजूद फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं माउथ में हो सकते हैं और दे मे बी इन द थ्रोट एज वेल फेरिंग्स में भी फॉर एग्जाम्पल द सर्फेस ऑफ द मेमेलियन टंग जाहिर है मैमल्स में ह्यूमन में टंग पे ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं और ये हमारी टंग की एक अपीयरेंस शो की गई है बम्पी सी अपीयरेंस दैट इज ड्यू टू दीज प्रोजेक्शंस और पेपिले और इन पेपिले को एनलार्ज करके अगर हम देखें तो इनके साथ बेस पे टेस्ट बर्ड्स हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जिनमें टेस्ट बर्ड्स के साथ अटैच नजर आ रहे होंगे दीज आर गस्टेटरी सेल्स हैविंग मल्टीपल gustatory hairs and taste pores ye pore structure taste pores surface pe maujood honge plus sensory neuron inke sath attached hote hain these sensory neuron can detect any change which is being produced on the plasma membrane of the receptor due to the chemicals present in the food darasal inka detection ka way bhi jo smell ki hum baat kar rahe the ke previously membrane changes ya action potential generate hoga by the change in plasma membrane protein to bilkul waise hi inki permeability bhi change hoti hai by the attachment of certain chemicals papillae or projection give the tongue its bumpy appearance granular appearance jo tongue ki hoti hai in papillae ki wajah se inki crevices mein inke darmiyan jo spaces hoti hain the crevices between the papillae are thousands of specialized receptors called taste buds ये टेस्ट बड्स का एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर इधर नजर आ रहा होगा आप लोगों को यकीनन टेस्ट बड्स आर बैरल शेप्ड ड्रम शेप्ड क्लस्टर्स ऑफ कीमोरिसेप्टर सेल्स कॉल्ड गस्टेटरी सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स अरेंज्ड लाइक अल्टरनेटिंग सेगमेंट्स ऑफ एन ऑरेंज हर एक सेगमेंट के एंड पे ना कुछ टाइनी हेयर्स नजर आ रहे होंगे आपको गस्टेटरी हेयर्स या एक्सटेंशंस नजर आ रही होंगी और ये भी बात सही है कि टेस्ट बर्ड्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इट डिपेंड्स अपॉन देयर जीन्स एज वेल कि टेस्ट बर्ड्स का स्ट्रक्चर अगर वेरी करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर वेरी करेगा तो टेस्ट की सेंस में भी वेरिएशन आ सकती है बिटवीन द ह्यूमंस ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया अभी चैट रूम में ऐसा ही है बेटे यस इट डिवेलप्स ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर्स तो इसमें चेंजेस आ सकती है द रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट और गस्टेशन की हम बात कर रहे थे दे आर four generally recognized taste sensations sweet hai sour hai bitter hai and salty but they are
unevenly distributed. So you need to end pe sweet kyun, sour kyun, or bitter kyun. The exact mechanism that stimulate a chemoreceptor of taste is not well known. लेकिन एक थ्योरी इसके हवाले से कि जैसे गस्टेटरी स्टिमुलाइटिस के स्टिमुलाई जो इसमें प्रोटीन्स होती हैं सेप्टर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी परमेबिलिटी को चेंज करते हैं और उससे सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा सेंसरी न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जो आगे कन्वे हो जाता है और ये डिफरेंट केमिकल्स के लिए डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होंगे दैट्स वाई जो केमिकल्स होते हैं फूड के अंदर या कंपोनेंट उनकी बाइंडिंग के बाद जो हमारी टंग है वो इन टेस्ट को रिकग्नाइज करेगी टंग से स्टिमुलाई ब्रेन को जाएंगे और ब्रेन इंटरप्रिटेशन के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में बताएगा कि किस तरह का टेस्ट है वेल वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स मे हैव टेस्ट बड्स ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स डू नॉट यूजुअली हैव टेस्ट बड्स ऑन द टंग रेप्टाइल और बर्ड्स के टेस्ट बड्स टंग में होने के बजाय यूजुअली फेरिंग्स में मौजूद होते हैं थ्रॉट में फिशेस की हम बात कर रहे थे दे मे हैव टेस्ट बड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल फॉर एग्जाम्पल स्टर्जियन फिश टेस्ट बड्स स्टर्जियन फिश पहले डायग्राम में बनी हुई है बेटा इसकी टेस्ट बड इसकी रोस्ट्रम पे होते हैं और अपने सबस्ट्रेटम में जहां पे बॉटम डिवेलिंग फिशेज हैं जहां पे ये रह रहे होते हैं तो सबस्ट्रेटम में प्रोट्रूसिबल टंग को प्रोजेक्ट आउट करेंगे और माउथ में फूड को ले जाने से पहले ही अगर ये फूड के साथ रोस्ट्रम को कॉन्टेक्ट में ले आते हैं तो रोस्ट्रम को कॉन्टेक्ट में ले आने के बाद फूड को ये पहले ही टेस्ट कर सकेंगे बिफोर इन टेकिंग फूड इन देयर माउथ एज द स्टर्जन फिश ग्लाइड्स ओवर द बॉटम इट कैन ऑब्टेन अ फोर टेस्ट ऑफ पोटेंशियल फूड बिफोर द माउथ रीचेस द फूड दूसरी फिशेस के टेस्ट बड्स कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं इन द रूफ साइड वॉल्स and floor of the pharynx where they monitor the incoming flow of water in fishes that feed on the bottom for example catfish carp hai catfish nazar aa rahi hai carp niche bani nazar aa rahi hai sucker fishes bhi hote hain kuch unke taste buds puri body pe ya even tail ke upar bhi distributed ho sakte hain ya jo inki ye jo whiskers nazar aa rahi hain catfish ki some whiskers they may also have some receptors for detection of taste vn ki sense se beta next ye different organisms ke andar vn ko inshallah hum kal discuss kar rahe honge next lecture mein to